एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनीशा स्टाइल्स। और मैं हूँ अनीशा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ये है कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऑफिस एंड कॉलेज गोइंग मेकअप। एज फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा मेकअप है एंड बहुत इजी है, बहुत अफोर्डेबल भी है। आप इजी से कर भी जा सकते हो अपने ऑफिस और कॉलेज गोइंग में डेली। और चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और बेल बटन भी ऑन कीजिए क्योंकि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपके पास जल्द से जल्द आ जाएंगे। और कीजिए मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो। और चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के लिए वीडियो में एंटर हो जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को हमारे स्किन को अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। मैंने कर लिया मेरे स्किन को अच्छे से प्रिपेयर, और मैं अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ पर पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ। मॉइस्चराइजर ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्किन के लिए, क्योंकि हम जब मेकअप करते हैं ना, हमारा मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत फ्लॉलेस दिखता है। इसलिए कभी भी हमको मॉइस्चराइजर ना स्किप नहीं करना चाहिए। जो है मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। प्राइमर के लिए मैं यहाँ पर एनवाइबे का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई सा भी अच्छा प्राइमर हो तो आप यूज़ कीजिए। इसको जो है वो है मॉइस्चराइज कर लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ द नेविया मॉइस्चराइजर। ये स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर है। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर गार्नियर का बीबी क्रीम है, एंड आपकी चॉइस है। आपको चाहिए तो बीबी क्रीम, सीसी क्रीम है तो फाउंडेशन का भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर ना ऑफिस गोइंग एंड कॉलेज गोइंग गर्ल का मेकअप दिखा रही हूँ, इसलिए सिंपल सा बीबी क्रीम डेली यूज़ के लिए आपके स्किन के लिए ना बहुत अच्छा होता है। फिंगर के मदद से अच्छे से इसे ब्लेंड करती हूँ एंड उसके बाद ना ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ। एंड जो ये गार्नियर बीबी क्रीम है ना, ये बहुत अच्छा क्रीम है, फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, और आपको ये एक ही शेड में मिलता है। हमारे इंडियन स्किन टोन के लिए ना बहुत अच्छा शेड है। इसमें SPF +++ भी है और आपको यूवी रे से हो बहुत प्रोटेक्ट करता है। इसमें विटामिन ई है, आलमंड ऑयल है और मिनरल्स भी है फॉर ब्राइटनिंग द स्किन। ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, आप चाहो तो आप इसे प्रिफर कर सकते हो। मैं यहाँ पर ना डेली यूज़ की बात कर रही हूँ। आपको बीबी क्रीम या सीसी क्रीम ही यूज़ करना चाहिए, आपको फाउंडेशन यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप डेली अप्लाई करते हो ना, फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो आपका फेस ना ख़राब भी हो सकता है। इसलिए मैं मेरा रेकमेंड कर रही हूँ कि बीबी क्रीम या सीसी क्रीम आप अप्लाई कीजिए। मेरा मेकअप को मैं सेट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ दी कॉम्पैक्ट। आप पर आपके पास कौन सा भी अच्छा कॉम्पैक्ट हो तो आप यूज़ कीजिए। मैं यहाँ पर NYB का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर आपके पास कौन सा भी अवेलेबल होता आप वही यूज़ कीजिए। वही नहीं कि मैं इधर कौन सा दिखा रही हूँ, आप वो ही यूज़ करना चाहिए। मेकअप के लिए यहाँ पर टू पैलेट्स में जो है मैं दिखा रही हूँ, और ये है स्विस ब्यूटी का पैलेट इन द शेड 05, और ये लियोन ब्यूटी का 9 color HD पैलेट है इन द शेड 04। ये दो भी अफोर्डेबल पैलेट्स है। अब आप कॉलेज स्टूडेंट हो, नहीं तो आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो आप इजी से इसे दो परचेस कर सकते हो एंड डेली यूज़ भी कर सकते हो। प्रेफर कर रही हूँ सुस ब्यूटी का पैलेट, और यहाँ पर मैं ओनली ये कलर लगाऊंगी क्योंकि ये कलर ना बहुत सिंपल लगेगा। हमें कॉलेज गोइंग और ऑफिस गोइंग के लिए ऐसे हमें बहुत तामझाम नहीं करके जाना है, बहुत सिंपल सा जाना है हमें कॉलेज और ऑफिस, और इसलिए मैं यहाँ पर ना इस कलर का मैं आई शेडो अप्लाई करूँगी। बहुत एक नेचुरल आई शेडो दिखेगा अपने आईज पर, किसी को नहीं मालूम होगा कि आप आई मेकअप भी किया है, बहुत एकदम लाइट लुक देगा अपने फेस पर। अप्लाई करूँगी काजल। काजल के लिए मैं यहाँ पर लैक्मे का काजल यूज़ कर रही हूँ। एक पतली सी लाइन ड्रॉ करनी है, एकदम पतली सा, ना कि बोल्ट लाइन। देखते हो मेरे आईज, मैंने सिंपल से ड्रा किया है यहाँ पर काजल। इसी काजल से ना आईलाइनर भी ड्रा कर रही हूँ। आप चाहो तो आप ड्रा भी कर सकते हो, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो, वो डिपेंड आप पर करता है।
एक थिन सी ना मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा। मस्कारा के लिए मैं यहाँ पर डेजल का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। एंड आपको कौन सा भी अच्छा मस्कारा हो तो आप वही यूज़ कीजिए। मैं डेली यूजेस पे ना मस्कारा डेजल का ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद इसी मस्कारा से मैं अपने ब्राउज को भी ना अच्छे से सेट कर लूँगी। बहुत धीरे से बहुत ध्यान में रखकर आपको सेट करना है। लास्ट जो है मैं यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पर NYB का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 13। एकदम एक लाइट कलर देता है, एकदम एक न्यूट कलर बोलते हैं ना वैसा दिखता है। बहुत अफोर्डेबल है ये, आपको डेली बेसिस में बहुत अच्छे तरह से आपको काम आता है ऐसे के लिप क्रेयॉन्स। मेकअप जो है वो है कर लिया एंड मैं फटाक से रेडी भी हो जाती हूँ। ये लुक मेरा जो है ये फाइनल लुक। मैं यहाँ पर सिंपल से एक साइड पोनी बनाया है एंड सिंपल से यहाँ पर मैंने बफ जो है वो है कैरी किया है। आप चाह सकते हो तो आप डिफरेंट हेयर स्टाइल्स भी कर जा सकते हो एंड मैंने थोड़ा सा सिंपल सा लुक किया है यहाँ। बस आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो या मेरा लुक अच्छा लगा हो तो वीडियो पर ज़रूर से एक लाइक कीजिए फ्रेंड्स। और चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए फ्रेंड्स। और मेरे वीडियोस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कीजिए मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है अनिशा स्टाइल्स। और आपको कुछ भी डाउट वगैरह हो तो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हो, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। मैं दोनों जगह पे भी मैं अवेलेबल रहती हूँ। और फिर मिलेंगे फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन फ्रेंड्स टेक केयर बाय।